जय हिंद दोस्तों तो हम लोग बिहार एस 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 सी जी एल दो बाईस यानी कि सचिवालय सहायक और बी पी एस सी असिस्टेंट दोनों का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है सत्रह है तो चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है देखिए पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाली कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई थी ऑप्शन है ए नवंबर अठारह सौ छप्पन में ऑप्शन बी दिसंबर छप्पन में ऑप्शन सी जनवरी में ऑप्शन डी फरवरी फरवरीवन में तो ये कारतूसों वाले जो है नई एनफील्ड राइफल आई थी ये अठारह सौ सत्तावन में क्रांति हुआ था तब आई थी ये सब तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी अठारह सौ सत्तावन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुगल सम्राट की पत्नी को अंग्रेजों के लिए भेदिये का काम करके राजद्रोह के कार्यों को जानबूझकर तोड़ने के लिए कहा गया वह महिला कौन थी ऑप्शन ए है हजरत महल ऑप्शन बी जीनत महल ऑप्शन सी मुमताज महल ऑप्शन नंबर डी है फातिमा बेगम तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीनत महल हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च उन्नीस सौ सोलह ईस्वी को पूर्णा में हमरो लेख की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी तो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ऑप्शन ए राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर सी भगत जवाहर मल है ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं तो ये गवर्नर कौन थे राजगोपालाचारी थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ऑप्शन ए लॉर्ड माउंडबर्टन ऑप्शन बी लॉर्ड वेबल ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन है ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड माउंडोबर्टन था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका स्वतंत्र भारत का अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट पारित कब किया गया था ऑप्शन नंबर ए है उन्नीस सौ ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी उन्नीस सौ बीस ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी है उन्नीस सौ तीस ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी है उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी में तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का, का कार्य क्या होता है ऑप्शन ए डीएनए का संश्लेषण ऑप्शन बी आरएनए का संश्लेषण ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन का संश्लेषण। इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इबोला वायरस का नाम लिया गया है ऑप्शन ए एक शहर के नाम से ऑप्शन बी एक प्रांत के नाम से ऑप्शन नंबर सी एक नदी के नाम से ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक पर्वत के नाम से ये लिया गया है एक नदी के नाम से लिया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है किस फसल का विकास पुष्प कम में होता है ऑप्शन ए सेब ऑप्शन बी अमरुद ऑप्शन सी अनानास ऑप्शन नंबर डी अंगूर तो इसका उत्तर हो जाएगा अनानास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं ऑप्शन ए एक सामूहिक जानवर को ऑप्शन नंबर बी है एक जलीय पौधों को ऑप्शन नंबर सी एक पौधे रोग को कहा जाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी एक जलित रहित रोग को कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों एक जलीय पौधों को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं जो इस कथन को क्या कहते हैं ऑप्शन ए है कि भिन्न काला पक्वता ऑप्शन बी स्वयं अनिश्चित अनि अनिश्चय उभयलिंगता ऑप्शन नंबर सी है विषम युग्मन ऑप्शन नंबर डी एक संगमनी तो दोस्तों इसे कहते हैं भिन्न काल पक्वता कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि वाक्समैन को किस खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन है पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर बी एसे एस्टेटिस एस्टरेप्टो एस्ट्रेप्टो माइसिन ऑप्शन नंबर सी है नियो ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोमाइसिटिन तो इन्हें दिया गया था दोस्तों एस्टेरेप्टो माइसिन के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे लंबा वृक्ष है पाइनस है सिकुआ है ई फ़ेडरा है या फिर यू के है तो सबसे लंबा वृक्ष कौन है सिक युवा है सिक युवा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि अनाज में खाया जाने वाला भाग है ऑप्शन ए है भ्रूणकोष ऑप्शन बी बीज बीज का रसदार बाहर चोल बहरा चोल ऑप्शन नंबर सी है मांसल पुष्पासन ऑप्शन नंबर डी मांसल बीज चोल तो खाने वाला भाग होता है बीज का रसदार बहरा चोल होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं अड़तीस ए टी पी बत्तीस ए टी पी या फिर तीस ए टी पी या फिर चालीस ए टी पी तो कितना प्राप्त होता है अड़तीस ए टी पी होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन ए है लाइसिन वो थीरो। थियोरोन है ऑप्शन बी लियोसिन ऑप्शन सी है ग्लूटामिन और ग्लाइसिन है या फिर ऑप्शन डी है और है। वेलिन तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लाइसिन थियोनिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है किसे राष्ट्रपति को संसद को या केवल उच्च न्यायालय को या फिर उच्च उच्च एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है किसे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग का शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल यानी कि कांग्रेस और गैर कांग्रेस ने अनेक बार अपने स्वार्थों में किया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 का या फिर अनुच्छेद 360 का या फिर अनुच्छेद 370 का या अनुच्छेद 356 का तो ये किया गया अनुच्छेद 356 का किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का को प्रतिबिंबित करता है प्रतिबिंबित करता है ऑप्शन है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना को या फिर राज्य के नेतृत्व निर्देशक सिद्धांत को या फिर भारतीय नागरिकता को तो ये किसमें है राज्य के नेतृत्व निर्देशक सिद्धांत में है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चौवालीसवें संविधान संशोधन का एक उपलब्ध एक उपबंध यह भी है कि एक मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है वह मूल अधिकार है कौन सा ऑप्शन है ए कि आबाद विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन बी जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन की समता का अधिकार तो ये कौन सा हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रदत्त प्रदत्त मूलभूत अधिकारों एवं तथा इन अधिकारों को सीमित वास्तविकता में बड़ांतर है यह किसने लिखा है प्रो पायली ने या के डी राव ने या फिर डेविड एच बोली, बेली ने या फिर नॉर्मन डी पा, पामर ने तो दोस्तों ये लिखा गया नॉर्मन डी पामर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का, का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू नह, के द्वारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल की गई संस्कृत की, की गई उर्दू की या सिंधी की या अंग्रेजी की यह किया गया है सिंधी को किया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्चतम सुबच्छ, न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम सरकार के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया ऑप्शन बयालीस पर संशोधन ऑप्शन बी चौलीस ऑप्शन सी चौबीस ऑप्शन डी कोई नहीं यह किया गया था कौन सा संशोधन बयालीस पर संशोधन किया गया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है सातवीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची में या फिर नौवीं अनुसूची में या फिर दसवीं अनुसूची में तो भाषा को उल्लेख किया गया है आठवां अनुसूची में किया गया है अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ को या बाईस नवंबर उन्नीस सौ को या फिर बाईस मई उन्नीस सौ को या फिर बाईस जुलाई उन्नीस सौ को तो ये इसे किया गया था कब बाईस जुलाई उन्नीस सौ को किया गया था अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था बाबर ने हुमायूं ने अकबर ने या जहांगीर ने तो ये बांटा था किसने अकबर ने बांटा था अगला क्वेश्चन है दिल्ली का हिंदू शासक कौन था पृथ्वीराज चौहान था या हेमचंद्र विक्रमादित्य था या पृथ्वी भार्ट था या विग्रह राज था तो यह कौन था हेमचंद्र विक्रमादित्य था अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं द्वारा कितने दिनों तक शासन कर सका एक वर्ष तक छह माह तक सात माह तक या फिर आठ माह तक तो यह किया था छह माह तक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी फुस्तो में फारसी में तुर्की में या अरबी में तो ये लिखे थे कि इसमें तुर्की में लिखे थे आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है वाराणसी में प्रयाग में गोरखपुर में या मगहर में इनकी समाधि कहाँ मगहर में है आए क्वेश्चन मिजोरम की फांग पुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है ब्लैक माउंटेन के नाम से या ब्लू माउंटेन या येलो माउंटेन के नाम से या फिर मिजो हिल्स के नाम से तो इसे जाना जाता ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है आगे क्वेश्चन है कि भारत में संगमरमर का कौन सा पत, कौन सा प्रकार पाया जाता है मकराना भैंसलाना यहाँ किया यहाँ फिर करारा तो ये पाया जाता है कौन सा मकराना पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइए क्वेश्चन है कि मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब व एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है मंगलौर में हैदराबाद में पुणे में या नागपुर में तो ये स्थित है कहाँ नागपुर में स्थित है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे क्वेश्चन है कि जाखम बांध किस राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में गुजरात में राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में तो ये कहाँ राजस्थान में है कहाँ राजस्थान में है आगे क्वेश्चन है कि बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रयोगम प्रयोग में भारत के कितने राज्य आते हैं तेरह पंद्रह सत्रह या उन्नीस तो कितने आते हैं सत्रह राज्य आते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा रहता है उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र ऑप्शन बी है पंजाब उड़ीसा राजस्थान ऑप्शन सी कर्नाटक राजस्थान आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तो ये है मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और एक क्वेश्चन है कि निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है मेघालय में अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड में या मणिपुर में तो निसी जनजाति कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है पाउंड स्टर्लिंग पाउंड यूरो रूबल है तो इसकी मुद्रा है क्या है पाउंड स्टर्लिंग है आई क्वेश्चन है कि स्पेन की मुद्रा का क्या नाम है सोमा सोमोनी है दिनार है पाउंड है या यूरो है तो स्पेन की मुद्रा क्या है यूरो है आई क्वेश्चन है कि रूस की राजधानी क्या है एथेंस या फिर मास्को या पेरिस या बर्लिन तो रूस की राजधानी क्या है मास्को है आई क्वेश्चन है भारत की जूट उद्योग पुरुष के किस देश से प्रतिस्पर्धा करती है नेपाल से भूटान से बांग्लादेश से या म्यांमार से ये किससे करती है बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा करती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है चेन्नई को मदुरई को या तंजावुर को या तुति को तो ये कहा जाता है तंजावुर को कहा जाता है आए क्वेश्चन है कि यदि रुपये की कीमत में कमी हो तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाएगा अब मूल्यन कहा जाएगा या मूल्य ह्रास कहा जाएगा या अपस्फीति कहा जाएगा या अवसाद कहा जाएगा इसे कहा जाता है कि क्या मूल्य ह्रास कहा जाता है आए क्वेश्चन है कि टी ए एम पी का पूरा नाम क्या है टैरिफ ऑथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स या फिर टैरिफ ऑथोरिटी फॉर माइनर पोर्ट्स या टेरिफ एग्रीमेंट फॉर मेजर पोर्ट्स या फिर टेरिफ एग्रीमेंट्स फॉर माइनर पोर्ट्स इसका फुल फॉर्म होता है क्या टेरिफ ऑथोरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स क्या हो जाएगा टेरिफ एग्रीमेंट नहीं टेरिफ एग्री अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स होगा टेरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आए क्वेश्चन है कि रेन मिंबी किस देश की मुद्रा है भूटान की चीन की या नेपाल की या रूस की तो रेन मिंबी जो है ये चीन की मुद्रा है आए क्वेश्चन है कि तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे से या चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ चौरानवे से या फिर एक मई उन्नीस सौ तिरानवे से या अभी लागू नहीं हुआ है ये लागू हुआ है कब से चौबीस अप्रैल 1993 से लागू हुआ है आए क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ चौबीस अप्रैल 1993 से या चौबीस अप्रैल उन्नीस से या फिर चौबीस मई 1993 से या चौबीस मई उन्नीस से तो ये भी लागू कब हुई थी चौबीस अप्रैल 1993 से आए क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय के द्वारा लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या फिर जिला न्यायाधीश के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा तो इसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है क्वेश्चन है कि भारत में पंचायत राज का प्रारंभ कब किया गया था उन्नीस ईस्वी में या उन्नीस ईस्वी में या फिर उन्नीस ईस्वी में या उन्नीस ईस्वी में तो पंचायती राज का शुरुआत किया गया था उन्नीस ईस्वी में आगे क्वेश्चन पंचायत राज प्रथम परिवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में तो सबसे पहले किया गया था राजस्थान में किया गया था आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है एल्यूमिनियम सोना लोहा या सीसा तो यह पाई जाती है कौन सी धातु सोना आगे क्वेश्चन है धक्का स प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता उसकी प्रत्याष्ठा कम होती है या फिर उसकी प्रत्याष्ठा अधिक होती है या उनमें से उनमें कोई तन्य गुण नहीं होता तो इसका कारण है उसकी प्रत्याष्ठा अधिक होती है आए क्वेश्चन है कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की बेल्डिंग में निर्णय से किसका प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का सोल्जर का या फिर एल्युमिनियम पाउडर का या इनमें से कोई नहीं तो इसका किसका यूज किया जाता है एलमिनियम पाउडर किया जाता है आए क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है क्रोमियम और कार्बन का या क्रोमियम और आयरन का या क्रोमियम और आयरन का है या फिर कार्बन और आयरन का है ये दो ऑप्शन एक हो गया ना तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमियम और आयरन को हो जाएगा क्रोमियम और आयरन हो जाएगा आगे क्वेश्चन है कि कठोर स्टील में होता है दो से पांच प्रतिशत कार्बन होता है या जीरो पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव प्रतिशत कार्बन होता है या फिर जीरो पॉइंट वन से लेकर जीरो पॉइंट फोर प्रतिशत कार्बन होता है या फिर जीरो पॉइंट जीरो वन से लेकर जीरो पॉइंट जीरो फोर प्रतिशत कार्बन होता है तो कठोर स्टील में क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव से लेकर वन पॉइंट फाइव प्रतिशत तक कार्बन होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है अपरूप होता है हीरा होता है ग्रेफाइट होता है कोक होता है या फिर काजल होता है तो ये होता है हीरा होता है अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है भंगुरता चालकता तयनता या आघात बढ़ता, यह पाया जाता भंगुरता पाया जाता है अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पाषण खंड को पानी में डूबा जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देती है घनत्व विशिष्ट गुरुत्व या फिर दरमान में या आयतन में यह क्या हो जाएगा इसका उत्तर आयतन में हो जाएगा आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आए क्वेश्चन है शीतकाल में एक मोटी कमीज़ की अपेक्षा दो पतली कमीज़ें हमें अधिक गर्म क्यों रख दे रख सकती है ऑप्शन है दो पतली कमीज़ें अधिक मोटी हो जाती है अतः उष्मा के संचरण को रोकती है या फिर दो कमीज़ों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है या फिर दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप से काम करती है या फिर उष्मा की विकरण नहीं होता तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम से रोधी माध्यम के रूप में काम करती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे क्वेश्चन है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर या फोटोग्राफर के कौशल पर या पदार्थ की निकटता पर या पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर आए क्वेश्चन है कि विकृति वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रत्युत बनता है प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन ए है आवर्धित आभासी या फिर सीधा प्रतिबिंब और हरा हर समान वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब या फिर आवर्धित आभासीय और प्रतिलोमित प्रतिबिंब या हर समान आभासी और सीधा प्रतिबिंब तो ये कैसा बनता है प्रतिबिंब तो आवर्धित आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन है कि एक साधारण में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक हरास यानी हराशित तथा प्रतिलिमित प्रतिलोमित या फिर वास्तविक आवर्धित या फिर प्रतिलोमित या आभासी आवर्धित तथा उधर्म शीर्षी तथा उधर शीर्षी तो ये बनता है यहाँ पे प्रति में कैसा आभासी आवर्धित और उधर शीर्षी बनती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में होता है ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर इसके अन, सबसे इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में प्रायबनी होती है या पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव होता है या प्रकाश की ओर इसके सबसे बाहरा भाग का रंग में लाल प्रकाश या फिर पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश तो इन धनुष में क्या होता है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई क्वेश्चन है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है प्रावर्तन से अपवर्तन से वैदिकरण से या प्रदीप्ति से तो इसका संबंध किससे प्रदीप्ति से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अवतल तो लेंस वाला चश्मा पहनता है इस कारण सामान्यतः बिना चश्मा के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा दृष्टि पटल के पीछे या दृष्टि पटल के सामने या दृष्टि पटल के ऊपर या फिर अर्ध बिंदु या फिर अर्ध बिंदु के कारण इसका आप फोकस हो जाएगा कहाँ पे दृष्टि पटल के सामने हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे क्वेश्चन है कि नीचे कांच की पलेट धूप में नीली दिखाई देती क्योंकि यह नीले रंग की अब शोषित कर लेती है या फिर यह नीले रंग संक्रमित करती है या फिर यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है अवशोषित कर लेती है या फिर यह नीले रंग सहित सभी रंगों को संक्रमित करती है तो यह क्या हो जाएगा यह नीला रंग संक्रमित करती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे भूमध्य सागरीय थे या मंगोलाय थे या अल्पाइन थे या परोटो सर्वाधिक तो जाति कौन थे भूमध्य सागरीय थे अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है चंबल माही बनास या घग्गर तो ये कौन सी नदी थे घग्गर नदी के तट पर थी आगे क्वेश्चन है पीरिप्लस ऑफ एर्थियन सी का लेखक कौन है प्लेनी है टोलमी है या पेरी प्लस है या इनमें से कोई नहीं तो इसका लेखक था अज्ञात था तो इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो आगे क्वेश्चन है दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक है रलावली है या आदि ग्रंथ है या भक्ति सागर है इसका कौन है बिजक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आए क्वेश्चन है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई हिंदी में हुई संस्कृत में या अवधि में या मैथिली में इसकी हुई है किसकी संस्कृत में हुई है आइए क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब हुई बाईस मार्च उन्नीस सौ बारह को या बाईस जुलाई उन्नीस सौ ग्यारह को या बाईस मार्च उन्नीस सौ ग्यारह को या दस अक्टूबर उन्नीस सौ दस को हुई है तो बिहार की स्थापना हुई है बाईस मार्च उन्नीस सौ बारह को ही है एक क्वेश्चन है कि बिहार में किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है ऑप्शन है बक्सर कैमूर रोहतास जहानाबाद ऑप्शन बी गया नालंदा वाराणसी जमुई ऑप्शन सी गोपालगंज सीवान पटना नालंदा ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी और किशनगंज तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपालगंज सिवान पटना नालंदा हो जाएगा ऑप्शन तो नंबर सी हो जाएगा आए क्वेश्चन है कि बिहार में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को श्री कृष्ण को आलोक को अशोक को या गुरु नानक को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को हुई थी आगे क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी धर्मपाल ने महिपाल प्रथम ने या देवपाल ने या गोपाल ने तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था अगला क्वेश्चन है कि पटना में उन्नीस के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने ने अंबिका कांत सिंह ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सत्यनारायण सिंह ने तो ये किया था अंबिका कांत सिंह ने किया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो दोस्तों आज का प्रदर्शन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा मिल सके मिलते हैं दोस्तों अब अगले प्रैक्टिस सेट में